हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवांग बेलवाल और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ जिस पर आज मैं बात करूँगा। तो आज हम दो कारों को, दो कैटेगरी की जो कारें हैं उनको कंपेयर करेंगे और बात करते हैं कि गाइस क्या इनको लेना सही रहेगा। तो जो दो कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ वो है CNG कार और इलेक्ट्रिक कारों के बारे में। तो आज हम इसी में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए आज की डेट में या फिर CNG कार को ही प्रेफर किया जाए। तो वीडियो में बने रहिए गाइस, इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज क्लियर करेंगे और अगर आपका डिसीजन बन रहा है इलेक्ट्रिक की तरफ तो उसके लिए, उससे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए और वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा एक शाउट आउट हमारे एक सब्सक्राइबर का जिनका नाम है पंकज रत्नावत। इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है तो जाके आप गाइस चेक कर सकते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और हमें काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से गाइस सपोर्ट कीजिए और हमारे इस कंटेंट को काफ़ी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस बात करते हैं कि आज की डेट में ईवी गाड़ी ऑफर कर कौन रहा है और CNG कार कौन ज़्यादा जो है ऑफर कर रहा है। तो गाइस CNG में तो जो किंग है वो आप सबको भी पता है और मैं उस गाड़ी में बैठा हुआ भी हूँ जो है वैगनर CNG। तो आज इसी को हम कंपेयर करेंगे टियागो के साथ, टाटा की टियागो ईवी के साथ। और हमें आज की डेट में हुंडई जो है ऑफर करती है CNG ईवी दोनों कार, टाटा भी हमें ईवी और CNG दोनों कार ऑफर करती हैं। और रही बात मारुति की, तो मारुति की तरफ से अभी कोई भी इलेक्ट्रिक कार जो है देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जल्द ही वो वैगनार ईवी लेके आने वाले हैं। तो गाइज आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो है अब ऑटोमोबाइल जो है वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिक कार, CNG कार और इन सबको छोड़ के इलेक्ट्रिक की तरफ। उसका रीजन क्या है? तो गाइज रीजन यही है कि हमें एक क्लीनर फ्यूल मिल रहा है, एक क्लीनर एनवायरनमेंट मिलेगा एक इलेक्ट्रिक कार को यूज़ करने से। और जहाँ तक है कि इससे हमें पैसों की काफ़ी बचत होगी, हमारा जो एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज हैं ये काफ़ी सारे जो हैं इस चीज़ में हमें बचत और गिरावट देखने को मिलेगी। और यही रीज़न है कि हमें इलेक्ट्रिक की तरफ अब थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए। बहुत सारे जो है फ़ायदे हैं इलेक्ट्रिक कार को यूज़ करने के, लेकिन एज अ ओनर आपको क्या क्या फायदे और नुकसान है ये आज मैं बताने के लिए आपके पास आया हूँ इस वीडियो में। तो गाइज बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए अभी तक, और अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम लाते रहते हैं कि आपको कौन सी कार, कौन सा व्हीकल यूज करना है। तो गाइज हम आप थोड़े थोड़े पॉइंट जो है डिस्कस करते हैं। हम दो गाड़ियों को मैं एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, जैसे कि वैगनार CNG और रही बात टियागो ईवी की। दोनों का प्राइस अगर मैं बात करूं तो एक्स शोरूम 10 लाख रुपए की पड़ती है हमें अराउंड टियागो ईवी, और जो वैगनार CNG गाड़ी है वो हमें मिल जाती है 7.5 लाख रुपए से बेस वेरिएंट। और यही मैं बात करूंगा इसका XM XE वेरिएंट इलेक्ट्रिक में टियागो के। तो गाइज अब बात करते हैं रनिंग कॉस्ट और सब चीज की, क्योंकि मेन जो है रनिंग कॉस्ट ही जो है मेन पार्ट है हमारी इस पूरी वीडियो का, कि लोग CNG कार लें तो एक रनिंग के लिए लें और या फिर इलेक्ट्रिक कार लें तो क्या उनका रन ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, उस बिहाफ में मैं बात करूंगा। तो गाइज रनिंग अगर आप डिसाइड कर लीजिए आपका रोज का है 70, 80 या 100 किलोमीटर, तो इस बेसिस पे दोनों ही गाड़ियां एप्लीकेबल है। क्योंकि CNG में अगर आप कार लेंगे और दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं तो 70 रुपए में 1 किलो CNG डलेगी, और 30 का अगर एवरेज भी आप माने वैगनार से तो आपको पड़ेगी कम से कम 200 रुपए में आपका आना जाना। 100 किलोमीटर अगर दिन का है तो 200 रुपए में आपका हो जाना चाहिए आना जाना। तो 200 रुपए दिन का अगर आप एक कार में जो है यूज कर रहे हैं विद AC, तो और जिसमें आप 100 किलोमीटर चल भी रहे हैं, तो उस हिसाब से 200-250 रुपए देना वो कोई छोटी बात नहीं है। मेरे ख्याल से अच्छा रेट है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट है जिसमें आप 100 किलोमीटर आना जाना भी कर रहे हो और 200-250 रुपए अगर आपके लग रहे हैं इसी पे, तो इसलिए CNG जो है वो बेस्ट रनिंग में बन जाती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहीं इलेक्ट्रिक कारों के बारे में ना गाइज, तो इलेक्ट्रिक कार के अंदर सबसे अच्छा फीचर ये मिलता है कि आपको किसी भी तरीके का इंजन रनिंग, इंजन कॉस्ट, इंजन की किसी भी तरीके का एक वाइब्रेशन जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन रनिंग कॉस्ट अगर मैं बात करूँ तो वहाँ वो CNG से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें टियागो की तो वो 20 से 22 किलोवाट की उसके अंदर बैटरी है, और जो बैटरी उसके अंदर है वो काफ़ी टाइम भी लगाती है खैर चार्ज होने में, लेकिन उसका जो रनिंग कॉस्ट है और जितना भी उसका एक रेंज जो है वो ज़्यादा नहीं है, वो है कम से कम 150 से 180 किलोमीटर अगर आप उसको नॉर्मल एक फुट से चलाएंगे तो AC के साथ। और अगर आप वहीं उसको हैवी फुट से चलाएंगे एक थोड़ा तेज चलाएंगे गाड़ी को तो गाइज उसका एवरेज बहुत जल्दी गिर जाएगा। अब जो मैंने वैगनार का आपको एवरेज बताया 30 का, ये तब मैं बता रहा हूँ जब आप हैवी फुट से गाड़ी चलाएं, मतलब 100-110 चलाएं, तो भी वो मर के 30 का एवरेज आपको आराम से देगी ही देगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहीं टियागो का तो वहाँ पर एवरेज गिरता है। तो जो
टियागो है वो फुल कितने में होती है, तो आप ये मान लीजिए 1,000 रुपए से 800 रुपए के बीच में आपकी टियागो जो है वो फुल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एक जो है उसका इलेक्ट्रिसिटी इतनी वो यूज करेगी, क्योंकि उसकी बैटरी भी अच्छी खासी बड़ी है, तो उस हिसाब से टाइम भी वो काफी लगाएगी, वो अगर आप घर पे चार्ज करें तो 8 से 10 घंटे वो चार्जिंग पर लगाएगी ही लगाएगी। तो गाइस आपके पास कम से कम मिलते हैं आपको 14 घंटे गाड़ी को चलाने के लिए, तो आपके जो रन है वो काफी, रन का जो टाइम है वो काफी गिर जाएगा, क्योंकि टाइमिंग जो है चार्जिंग भी वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम वहीं फास्ट चार्जिंग पर भी लेके जाएं तो वहां पे भी 2-3 घंटे से कम नहीं लगेंगे। अब मैं बात करता हूँ गाइस आपको कि रेंज इतनी मिलती है, रेंज उसमें ज्यादा मिल जाती है। अगर मैं मैक्स बात करूं तो वैगनार को अगर मैं चलाता हूं तो मेरे को वैगनार के अंदर 250 से 280 किलोमीटर अगर मैं हैवी नॉर्मल फुट से भी चलाऊं बिना एसी के मिल जाते हैं आराम से, और एसी चलाऊं तो ये 200-250 तो आराम से करती ही करती है। लेकिन यही बात अगर मैं टियागो ईवी की बात करूं तो टियागो ईवी का रेंज इतना ज्यादा है नहीं, और वो पैसे भी कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक एक सीएनजी कार से ज्यादा खाएगी। लेकिन अगर मैं वही बात करूं एक पेट्रोल कार से, जो फुल्ली फ्लैश पेट्रोल कार है, अगर मैं वैगनार पेट्रोल की ही बात करूं तो गाइस वो ऑब्वियसली पेट्रोल से तो सस्ती ही है, आपको 5 या 4-6 किलोमीटर 6 रुपए पर किलोमीटर पड़ेगी, और वहीं वैगनार जैसी सीएनजी कार वो आपको मिलेगी 2.5 से 3 रुपए पर किलोमीटर, तो डबल का फर्क आ जाता है यहाँ पे गाइस। लेकिन अब आपको फायदे क्या है, सीएनजी भी गाइस कहते हैं नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल है, लेकिन गाइज वो फिर भी बहुत सारे जो है एक तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड के सारी बहुत सारी तरीके की कंबशन रिलीज करता है, क्योंकि इन द एंड कार के अंदर जल तो ईंधन ही रहा है और कंबशन तो हो ही रहा है ना। अगर मैं वही बात करूं इलेक्ट्रिक कार की, तो इलेक्ट्रिक कार के अंदर किसी भी तरीके का कोई कंबशन नहीं है, तो और वो सीधा एक फुल्ली फ्लैश सिंक्रोनाइज मोटर है जिसको आप चलाना है, और जिसको एक नॉर्मल आपको रेस और ब्रेक देके चलाना है, जिसका किसके अंदर कोई गियर भी नहीं है। आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको फन टू ड्राइव कार मिल जाएगी इलेक्ट्रिक, उसके अंदर काफी सारे जो है मोड्स मिल जाते हैं। अगर मैं टियागो की बात करूं काफी पंची इंजन है और वाइब्रेशन, अब मैं बैठा हूं अपनी वैगनार के अंदर, एसी चल रहा है, सीएनजी पे गाड़ी है तो वाइब्रेट है क्योंकि 3 सिलेंडर का इंजन है, वाइब्रेशन है। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं अपनी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कार की, तो इसके अंदर किसी भी तरीके की वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलती। ये सबसे अच्छा पॉइंट है एक गाड़ी को लेने का। और अगर अब मैं बात करूं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग का मैंने आपको बताया कि 7.5 लाख रुपए आप दे रहे हैं सीएनजी के, और वहीं दे रहे हैं आप 10 लाख 10.5 लाख रुपए ईवी के, तो क्या ये प्राइस लेना वर्थ है? तो बिल्कुल, अगर आप एक फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर आगे जाके इलेक्ट्रिक ही है, तो उस बिहाफ में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है आपको इलेक्ट्रिक की तरह शिफ्ट करना। लेकिन आपको बस ये देखना है कि आपको कार को कहीं बाहर या कहीं हाईवे के बाहर या फिर कहीं दूर तो नहीं ले आना, क्योंकि वहां पर ये गाड़ियां दिक्कत देगी। अब रही बात सीएनजी कार की, तो गाइस सीएनजी कार में अगर खत्म हो जाए सीएनजी, तो भी जो है आप पेट्रोल पे कार को चला सकते हैं, वो की जो कि बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव मिल जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार के अंदर हमें किसी भी तरीके का हमें जो है एक दूसरा फ्यूल बाय फ्यूल नहीं मिल पाता है। तो उसमें उस पॉइंट में क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं हाईवे में बंद होगी, तो आपको लिटरली गाइस उसको या तो धक्के मार के कहीं चार्जिंग स्टेशन तक ले जाना पड़ेगा, और या फिर उस कार को टो करना पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं बाउंडेशन एक कार में लग जाती है ईवी लेने के बाद, लेकिन सीएनजी कार लेने के बाद आपको किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है। अभी भी मैं चाहूं तो इसको जयपुर हाईवे पर चढ़ा के मुंबई निकल जाऊं और किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर पेट्रोल एक बायोफ्यूल है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार में यही फर्क पड़ जाएगा कि आपको कहीं रास्ते में चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है इंडिया के अंदर। तो आई डोंट थिंक कि एक राइट समय है अभी 1-2 साल ईवी लेने का। लेकिन अगर आप वहीं बात करते हैं कि आपके पास प्रॉपर जो चार्जिंग स्टेशन है और आपने एक रास्ता बना रखा है जिसमें मुझे आपको रोज जाना है, तो यू डेफिनेटली गेट अ ईवी फॉर योरसेल्फ। बट स्टिल अगर आपका रूट हर वक्त चेंज होता रहता है, तो बिल्कुल भी मैं कह रहा हूँ कि आपको लेने की जरूरत नहीं है। ईवी गाड़ी आपके लिए अभी नहीं बनी है, क्योंकि अभी काफी वर्क कर रही है सारी कंपनियां ईवी पे, और ईवी को सस्ता करने की काफी वर्क हो रही है, क्योंकि 10-11 लाख रुपए में आप अगर चाहें तो 10-11 लाख रुपए में आपको क्रेटा जैसी कार भी पेट्रोल में मिल सकती है। लेकिन स्टिल ईवी लेना आज की डेट में थोड़ा सा अभी के लिए समझदारी में नहीं कहूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग स्टेशंस। अब यही गाइज मैं बहुत सारे पॉइंट इसमें मैंने बनाए हैं। रही बात मेंटेनेंस की, तो ईवी गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत ही ना के बराबर होती है। नॉर्मल फ्लूड्स जो है वो एक्सचेंज और रिप्लेस होते रहते हैं, लेकिन हाँ वही बात अगर मैं करूँ एक सीएनजी गाड़ी की, तो सीएनजी गाड़ी की डे पर डे महीने के महीने किलोमीटर्स टू किलोमीटर्स काफ़ी जो है सर्विसेज के रेट बढ़ते रहते हैं, तो वो तो एक पेट्रोल कार की तरह उसके रेट जो है वो लगते हैं।
लेकिन बस यही बात है कि गाइस अभी की डेट में सीएनजी जो गाड़ियां हैं वो सस्ती रहेंगी ईवी चलाने से, क्योंकि ये भी हमारा बिजली का यूनिट का रेट है वो भी कहीं कहीं पे कुछ है, कहीं कहीं पे कुछ है, सारी स्टेट्स में कहीं ना कहीं अलग है। और सीएनजी का ये है कि एक बार में वो डलती है 8 से 9 किलो किसी भी गाड़ी में, और वो किसी में कुछ में भी कर लीजिए आपको 1000 रुपये से ज़्यादा की सीएनजी कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और 1000 रुपये में आप एक अच्छा रेंज जो है वो कवर कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट कहने का मतलब यह है कि क्या आपको सच में नीड है ईवी की? अगर आपको बस मजे चलाने के लिए लेनी है तो आप बिल्कुल लीजिए, थोड़ा इंजन भी पैपी होता है एक सीएनजी गाड़ी से, लेकिन बस यह है कि आप उसके साथ रह के काफी एक तरीके से वल्नरेबल हो जाएंगे, कहीं पे भी हाईवे पे खड़े हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आप अगर उसे लंबे रूट पे लेके जा रहे हैं तो हो सकती है। बाकी हाँ, पावर आउटपुट जो है वो काफी अच्छे हैं, गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आता है, लेकिन हाँ प्राइसी जो कहते हैं ना कि हाँ गाड़ियां महंगी हैं ईवी, तो यही वर्क कर रही है अभी मारुति अपनी वैगनार पे, ताकि गाड़ी को सस्ते से सस्ता बना दिया जाए। अब रही बात सीएनजी कार को, तो सीएनजी कार को लेना इतना ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आप जिस हिसाब से गाड़ी से आउटपुट लेंगे तो उस हिसाब से आपको गाड़ी मेंटेन भी करनी पड़ेगी। अब रही बात सीएनजी फिल कराने में कितना टाइम लगता है, तो मैक्सिमम गाइज 1.5-1 घंटा लग जाता होगा। अगर एक आप अच्छे खासे बड़े सीएनजी पंप में जा रहे हैं जहां पर अच्छी खासी भीड़ है तो वहां आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, लेकिन अगर आप कहीं मेरे जैसी जगह में रहते हैं जैसे दिल्ली में, तो आपको मेरे ख्याल से 1.5 घंटे से ज्यादा कभी लाइन में लगने को नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा सीएनजी पंप अब खाली रहते हैं, क्योंकि वहां पर सीएनजी हर वक्त अवेलेबल रहती है और सीएनजी बहुत जल्दी भरती है, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी गाड़ियां फ्री होती रहती हैं। अब रही बात इलेक्ट्रिक कार, तो इलेक्ट्रिक कार एक फ्यूचर है हमारा, और आगे जाके एक क्लीनर फ्यूल, एक क्लीनर एनवायरनमेंट बनाना है तो इलेक्ट्रिक कार पे स्विच होना बहुत जरूरी है। तो उस चीज के लिए मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को काफी सारे जो है एक्शंस लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कार को सस्ता बनाना पड़ेगा, कार को सेफर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंजन नहीं होगा तो बिल्कुल उस कार को इस तरीके से उसका मॉडिफिकेशन देनी पड़ेगी कि वो सेफ रहे, और प्राइस जो है मेन मेरा कंसर्न यही कि प्राइस काफी अच्छे करे ताकि लोगों का मन जाए ईवी लेने के लिए। और घर के अंदर जितने भी चार्जर्स ये देते हैं तो वो स्टैंडर्ड चार्जर ना दें, एक हाई स्पीड चार्जर लगा दिए जाएं तो उनसे कार उनकी जल्दी भी चार्ज होगी। तो गाइस बहुत सारे पॉइंट हैं अगर मैं बात करूं एक सीएनजी कार लेने के लिए और आपको ईवी कार लेने के लिए, तो गाइस बहुत सारे में आ जाते हैं कि सीएनजी कार के अंदर आप अपने मनपसंद मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो करवा सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल कार ही वो होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशन कराने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यही बात रही बात यही अगर हम मॉडिफिकेशन कराना चाहें या म्यूजिक सिस्टम भी लगवाना चाहें तो हम कार को बाहर से नहीं छिड़वा सकते, क्योंकि जितनी भी वायरिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं एक इंजन, इसकी जो मोटर है उसको फर्क दे सकती है, तो उस बिहाफ में मेरे ख्याल से मॉडिफिकेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है इलेक्ट्रिक कार लेना, क्योंकि वायरिंग का इशू जहां भी खराब हुआ तो पूरी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ये नहीं है कि पेट्रोल गाड़ी सीएनजी गाड़ी की तरह स्टार्ट होकर चली जा रही है। तो वीडियो में गाइज इतना ही, और अगर आपके पास और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, क्योंकि वीडियो में काफी बड़ी करना नहीं चाह रहा हूं, छोटी बनाना चाह रहा हूं, अगर आपके पास और भी पॉइंट है तो प्लीज कमेंट में डालिए और बताइए आपका कि आपको कौन सी कार लेना प्रेफर करेंगे, सीएनजी कार और या फिर एक इलेक्ट्रिक कार, तो आपके कमेंट्स बिल्कुल वेलकम है। गाइज वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगे ना तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो में गाइज, बाय।